साहस विफलता का, डेयर टू फेल, लेखक बिली पीएस ली। अध्याय एक, बचपन। मेरा जन्म 14 लोगों के बड़े परिवार में नवंबर 1950 में हुआ था। मेरे पिता व्यवसाय से कसाई एवं माता सामान्य गृहिणी थी। मैं जिस वर्ग से संबंध रखता हूँ उसमें भद्दे और गंदे शब्दों का प्रयोग एक सामान्य सी बात है। मेरा बचपन ऐसे माहौल में गुजरा जहाँ मेरे भाई बहन एवं माँ मेरे पिता द्वारा नियमित रूप से प्रताड़ित किए जाते रहे थे। शाम को दुकान पर बचा हुआ बासी मांस ही हमारा दैनिक भोजन था। मेरे पिता का मानना था कि बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। एक दिन उन्होंने बताया, बचपन में मेरी सौतेली माँ हमेशा मेरे सिर पर मारा करती थी और शायद तभी से उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे सबसे ज़्यादा होशियार हैं। एक बार उन्होंने मेरी बड़ी बहन को इतना अधिक पीटा कि उसने पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज करा दी। इसी से आप मेरे पिता की क्रूरता एवं क्रोध का अनुमान लगा सकते हैं। एक और घटना मुझे याद आती है। एक रोज़ जब मेरी स्कूल बस समय से पूर्व ही मुझे लेने आ पहुंची, तब तैयार ना रहने के जुर्म में मुझे मार तो खानी ही पड़ी, साथ ही मेरे पिता ने मेरी कमीज में भी आग लगा दी थी। मेरी माँ इतनी सीधी सादी महिला थी जिसकी कामना शायद प्रत्येक पुरुष अपनी जीवन संगिनी के रूप में ज़रूर ही करता होगा, लेकिन इतने क्रूर व्यवहार के बाद भी वह पूरे तन मन से अपने पति एवं सास ससुर की सेवा किया करती थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे पिता ने उसे शादी के बाद मात्र 3 दिन तक ही प्यार किया। मैं आज तक यह पता नहीं लगा पाया हूँ कि फिर भी हम 14 भाई बहनों का जन्म कैसे हो गया। पूरे मोहल्ले से मैं ही अकेला स्कूल जाया करता था। प्राइमरी के हमारे एक शिक्षक हमें पढ़ाने से मारना अधिक पसंद करते थे। वे मेरी छोटी सी गलती पर मुझे कुर्सी पर खड़ा करके मेरी निक्कर में हाथ डालकर मुझे प्रताड़ित किया करते थे। अतः घर और स्कूल दोनों ही मेरे लिए जहन्नुम के समान थे। मैं घर जाने से बचने के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते अपना समय व्यतीत किया करता था। हमें फोर्टिस नामक एक बास्केटबॉल टीम की स्थापना भी की। इसी नाम से भविष्य में एक कंपनी की स्थापना करना मेरा सपना था, जिसे मैंने पूरा भी किया। मैं विकट परिस्थितियों में पैदा हुआ। मेरे भाई बहनों के बचपन पर लगे काले दाग उनके भविष्य को प्रभावित नहीं करेंगे, यह कहने की मैं हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। यह हम में से बहुतों के साथ हो सकता है या हो भी रहा होगा। हो सकता है आपके साथ इससे भी अधिक बुरा घटित हुआ हो, जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्यों? इस सवाल के जवाब की तलाश में कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो कुछ मार्ग में ही भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए।